दादा जिस टीम के लिए कभी क्रिकेट खेला करते थे, पोते ने अपनी बल्लेबाजी से उसी टीम के खिलाफ बवाल काट दिया। सुपर ओवर की 6 गेंदे, 3 चौके, 3 छक्के, 2 बार की चैंपियन टीम को उसने कुछ यूं धाराशाही कर दिया। वर्ल्ड कप 2023 की टिकट लेने की होड़ ऐसी कि रोमांच की सारी हदें पार कर रहा है क्वालिफायर मैचेस। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच में नीदरलैंड्स ने वेस्टइंडीज को हरा दिया है। शाई होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 374 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 374 रन ही बना पाई। इस तरह मुकाबला टाई हो गया। इसके बाद सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम ने 6 गेंदों पर 30 रन बनाए। नीदरलैंड्स के बल्लेबाज लोगन वैन वीक ने सुपर ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ 30 रन बना डाले। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गई। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुपर ओवर में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 30 रन बनाने वाले लोगन वैन वीक के बारे में, जो वेस्टइंडीज टीम के लिए काल बन गए। जी, इस ऑलराउंडर ने जेसन होल्डर के खिलाफ सुपर ओवर में 30 रन बनाकर 2 बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को चौंका दिया। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज और नीदरलैंड्स ने अपने अपने 50 ओवर में 374 रन बनाए थे, जिससे खेल सुपर ओवर में चला गया। डच टीम ने पहले बल्लेबाजी की और लोगन वैन वीक के 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 30 रन तक पहुंच गई। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने वैन वीक को एक बार फिर डचों के लिए गेंदबाजी करने के लिए कहा और उन्होंने 8 रन देकर 2 विकेट निकाले और नीदरलैंड को एक यादगार जीत दिलाई। इस मैच से पहले बहुत से फैंस लोगन वैन वीक की प्रतिभा के बारे में नहीं जानते थे। लोगन नीदरलैंड क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च के कैंटरबरी से आते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट कीवी टीम के लिए ही खेला है और इस साल की शुरुआत में उन्होंने एक अनऑफिशियल टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड ए के लिए खेला था। चूंकि न्यूजीलैंड के सिलेक्टर्स ने उन्हें टीम में नहीं चुना, इसलिए वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए नीदरलैंड पहुंच गए। क्रिकेट वैन वीक के परिवार के खून में है। उनके दादा, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 2 देशों का प्रतिनिधित्व किया था, उनके दादा का नाम सैमी गुलियन था। उनका जन्म वेस्टइंडीज में हुआ था और वो न्यूजीलैंड जाने से पहले उन्होंने पहली बार वेस्टइंडीज के लिए खेला था। गुलियन 1956 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत में न्यूजीलैंड के लिए हीरो बने थे। अब उनके पोते ने नीदरलैंड्स के लिए वेस्टइंडीज को हराने में मदद की। कैंटरबरी ने 2012 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टूर में T20 मैच खेला था। जब लोगन ने अपना T20 डेब्यू किया था, तब प्रोटियाज बल्लेबाजी लाइनअप में एबी डिविलियर्स, रिचर्ड लेवी, हाशिम अमला, जेपी डुमिनी और एलबी मॉलकर जैसे बड़े नाम मौजूद थे। वैन वीक न्यूजीलैंड ए और नीदरलैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं। 2022 के अंत में न्यूजीलैंड ए की टीम की ओर से भारत ए के खिलाफ 3 अनऑफिशियल वनडे और एक अनऑफिशियल टेस्ट खेलने के लिए वो भारत आए थे। एकमात्र टेस्ट में वैन वीक ने बेंगलुरु में आरसीबी स्टार रजत पाटीदार को आउट किया था। बाद में चेन्नई के वनडे में उन्होंने सीएसके के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया था। वैन वीक ने संजू सैमसन, राज वावा और राहुल त्रिपाठी के भी विकेट लिए थे। नीदरलैंड ने 2014 में T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था और उन्होंने UAE के खिलाफ अपने ग्रुप स्टेज के मैच में वैन वीक को पहली बार T20 की कैप सौंपी थी। उन्होंने अपने 3 ओवर में 30 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। अपने अगले 2 मैचों में विकेट से वंचित रहने के बाद लोगन वैन वीक ने आखिरकार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एबी डिविलियर्स का विकेट हासिल करके अपना खाता खोला था। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अगले गेम में उन्होंने केन विलियमसन को आउट किया था, जबकि उनके 9 रन देकर 3 विकेट के स्पेल ने नीदरलैंड्स को टूर्नामेंट में इंग्लैंड को हराने में मदद की थी।